हेलो फ्रेंड्स, डीके स्पाइसी किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कटलेट रेसिपी। स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कीजिए। तो चलिए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस में कढ़ाई चढ़ा देंगे। तेल डाल देंगे। आप डालेंगे चिकन। चिकन को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम चिकन का यूज़ किया है। चिकन को आप मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे। अब डालेंगे नमक। अब ढक के 4 से 5 मिनट तक पकने देंगे। चार से पाँच मिनट हो गया है। आप डालेंगे 1 चम्मच चिली फ्लेक्स। डालेंगे 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब डालेंगे बारीक चॉप किया हुआ प्याज। अब डालेंगे कटे हुए गाजर। आप डालेंगे बंदा गोभी। डालेंगे शिमला मिर्च। डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप डालेंगे 1 चम्मच गोल मिर्च पाउडर। अब डालेंगे बॉयल आलू। अच्छे से स्मैश कर लेंगे। आप चाहे तो आलू को स्मैश करके भी डाल सकते हो। डालेंगे 1 चम्मच चिली सॉस।
दो चम्मच सोया सॉस, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे एक साइड में करेंगे। डालेंगे 3 चम्मच मैदा, मैदा को आप फ्राई करेंगे। मैदा फ्राई हो गया है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। डालेंगे धनिया पत्ता, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। आप सिलेरी बनाएंगे तो मैंने ले लिया 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 4 से 5 चम्मच मैदा। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के घोल बना लेंगे। अब हाथों में अच्छे से तेल लगा लेंगे। अब थोड़ा सा परसों लेके पहले गोल बना लेंगे, फिर चपटा कर लेंगे। सिलेरी में पहले डीप करेंगे, फिर ब्रेड क्रम्स में अच्छे से कोट कर लेंगे। पूरा चिकन कटलेट बना लिया है मैंने। अब फ्राई करने की प्रोसेस में चलते हैं। एक एक करके कटलेट को तेल में डालेंगे। दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन कलर होने तक फ्राई करेंगे। दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लिया है मैंने। अब बाकी कटलेट को भी फ्राई कर लेंगे। एक एक करके तेल में डालेंगे। दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्राई हो गया है, निकाल लेंगे। चिकन कटलेट अब बन के तैयार है। इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।